ओह, तो तुम इस वीडियो को देख रहे हो? इसका मतलब इस वीडियो का फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी देखकर आए हो क्या? नहीं तो क्या हुआ, अभी जाके देख लो, क्योंकि तुम्हें ये वीडियो तो समझ में आ जाएगी पर किसी काम की नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो, हाउ टू मेक योर वीडियो वायरल का स्टेप 3, जिसका नाम है इमोशन। देखो भाई, इमोशन हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इमोशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बड़े बड़े युद्ध शुरू भी हुए हैं और ख़त्म भी। इमेजिन कीजिए, आप दूध सागर के एकदम किनारे पे खड़े हैं, पानी आपके पैरों के नीचे से निकल के जा रहा है। जब आप नीचे गहराई को देखते हैं तो आपको चक्कर से आने लगते हैं और आप अपने कदम पीछे लेते हैं। उस समय आप बहुत खुशी महसूस कर रहे होंगे, हैरान भी होंगे। झरने की गहराई देख के आप बोलेंगे, ओए होए। देखिए, साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं ये जो आपके ओए होए का ओए है, यह एक सेंस ऑफ वंडर है और यह आपके मुंह पे जब भी आता है जब आप कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि मानो आपने अपने आप से ज़्यादा कुछ बड़ी और अनोखी चीज़ पा ली है। क्या कभी आपने नोटिस किया है, जब आपने अपना फेवरेट गाना पहली बार सुना था तो आपको वो ओए वाली फीलिंग आई थी? क्या आपको ऐसा लगा था कि इससे अच्छा गाना इस पूरी दुनिया में हो ही नहीं सकता? फिर वही गाना आपने लूप में लगाकर बार बार सुना होगा। कभी कोई डेयरिंग काम करते वक्त भी हम ज़्यादातर ओए का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी बड़े झूले पे चढ़ने के बाद जो ओए और तेज से वाली आवाज़ से लेके लड़ाई के बीच में ओए वाली आवाज़ तक। साइकोलॉजिस्ट ने इस ओए पर भी रिसर्च की और रिसर्च में ये निकल कर आया, जिस चीज़ों को देखने के बाद हमारे मन में ये ओए वाली फीलिंग आती है उसे हम बाकी अन्य चीज़ों से ज़्यादा शेयर करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक 47 साल की बुजुर्ग महिला ब्रिटेन को टैलेंट में गाना गाने के लिए आती है, उस महिला ने कुछ खास कपड़े भी नहीं पहने थे। अगर आप ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट के अन्य कंटेस्टेंट्स के कपड़े देखेंगे और फिर उस महिला के कपड़े देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वह महिला एक जीता जागता सबूत थी कि ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट में किस किस्म के कपड़े पहनने नहीं चाहिए। अब जब जजेस उससे पूछते हैं कि आपका ड्रीम क्या है, तो वह कुछ वर्ड्स पर हकलाना शुरू कर देती है और कहती है कि उसे एक प्रोफेशनल सिंगर बनना है। अब कैमरा जूम करके ऑडियंस के पास ले जाया जाता है, जहां हमें दिखाई देता है कि ऑडियंस में कुछ लोग हंस रहे होते हैं। पर जब म्यूज़िक शुरू हुआ और उस महिला ने गाना शुरू किया आई ड्रीम द ड्रीम, सब रुक गया, सभी लोग हैरान हो गए। वह इतना मधुर और सुंदरता के साथ गा रही थी कि ऑडियंस में लोग चिल्लाने लगे। जजेस के लिए भी यह एक ओ मोमेंट था। गाने के अंत आते आते ऑडियंस में से कई लोग रोने लगे और कई शांत बैठे सिर्फ सुनते रहे। सिर्फ 9 दिनों के अंदर इस गाने को 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले और ये वीडियो ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट की वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियो बन गई। कुछ इमोशंस आग जलाने में सफल रहते हैं जिससे वीडियो वायरल होना शुरू हो जाती है, जैसे हमने जाना पावर ऑफ ओ के बारे में। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर लोग पॉजिटिव चीज़ें देखकर उन्हें शेयर करते हैं तो इसका मतलब है नेगेटिव चीज़ें कभी वायरल नहीं हो सकती। जी नहीं, ऐसा नहीं है, नेगेटिव चीज़ें भी अक्सर वायरल होती हैं। ऐसी वीडियोस जिन्हें देखकर आपको या तो गुस्सा या एंजाइटी हो, उसे आप और लोगों को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ढिंचक बुझा गाना सुना और आपको उसको सुन के एंजाइटी होनी शुरू हुई, पर क्या आप उसे अपने दोस्तों को मजाक के तौर पर नहीं सुनाएंगे? ठीक ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव वीडियो वायरल होती हैं, बस वायरल वो वीडियो नहीं होती जो सैड एनवायरनमेंट में क्रिएट की जाती है। जैसे कि एक व्यक्ति यूट्यूब चैनल खोलने के बाद अपनी पहली वीडियो डाल के ये बोलता है, आई एम सॉरी गाइस, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास एक अच्छा फ़ोन नहीं है, आप मुझे एक नया फ़ोन दिला दो। खैर, ऐसा करोगे तो कभी वायरल नहीं हो पाओगे मेरे दोस्त। इस स्टेप का मेन पर्पस यही है कि आपको आपके कंटेंट में ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिसे देख के लोगों के मन में ओ वाली फीलिंग आ जाए, या फिर आप जिस भी चीज़ की वीडियो बनाते हैं उसे थ्रिलर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें ताकि लोगों के इमोशंस आपकी वीडियो से जुड़ जाएं। बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। मिलते हैं आपसे इसी वीडियो के फोर्थ पार्ट में,
देखते रहिए हमारा चैनल फेक और टेक, तब तक के लिए दोस्त भी धन्यवाद।